आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू जी। आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 12 लेसन नंबर 20 ऑल साइंस सियासियात का सबक नंबर 20। और आपको असाइनमेंट टीए में प्रैक्टिकल बुक्स की PDF, नोटबुक, हेल्प बुक और ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है, इलाकाइत क्या है? इसका जवाब है, इलाकाइत वो एहसास है जिसके तहत मुल्क के किसी भी खत्ते के लोग ज़बान, मजहब, सकाफ़त, जोग्राफियाई महल वकूँ, माशी और सियासी वजूहात की बिना पर खुद को मुख्तलिफ समझते हैं। इलाकाइत जो है एक एहसास है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम ज़ाहरी तौर पे दिखा नहीं सकते, है ना। सिर्फ इसे फील करने की चीज़ है जिसके तहत जो है किसी मुल्क के किसी भी खत्ते के लोग, जो खत्ते के लोग हैं वो अपनी ज़बान की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और सकाफत यानी अपने रहन सहन, कल्चर, उनकी तहजीब, जोग्राफिया महलों को अपने ज़मीन की वजह से, माशी और सियासी वजूहत की बिना पर खुद को मुख्तलिफ समझते हैं। और वो खुद को दूसरे से क्या समझते हैं, अलग, और इस खत्ते की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं और हमेशा जो है सिर्फ अपने खत्ते की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं, इसी को जो है इलाकाइत बोलते हैं। उसके बाद अगला सवाल और आखिरी सवाल, सबसे बड़ी बात है इस सबक में सिर्फ दो ही सवाल इम्पोर्टेंट, हिंदुस्तान में इलाकाइत के उरूज की क्या वजूहात हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी सवाल है। हिंदुस्तान में इलाकाइत के उरूज के लिए क्या वजूहात हैं? जोग्राफियाई वजूहात, सबसे पहले हैं जोग्राफियाई वजूहात यानी ज़मीनी, मुल्क की वसअत यानी फैलाव। हमारा जो मुल्क है आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है और आबादी भी जो है दुनिया में नंबर वन पर आ गई है, तो मुल्क की वसअत, जोग्राफियाई और सकाफती फ़र्क ने इलाकाइत की तरक्की में अहम किरदार है। जो हमारे जोग्राफियाई और सकाफती और फ़र्क है इसने भी इलाकाइत की तरक्की में एक अहम रोल अदा किया, और इलाके की तरक्की हुई तो मुल्क की तरक्की खुद ब खुद हो गई। तारीख़ी वजूहात, जोग्राफियाई वजूहात हो गई, अब तारीख़ी वजूहात। कदीम ज़माने में हिंदुस्तान में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें रही हैं, वो एक दूसरे से दुश्मनी भी रखती हैं और एक दूसरे से दुश्मनी भी रखती थी, दुश्मनी के सबब एक दूसरे से तरक्की करती थी, और तरक्की करती थी तो आगे बढ़ती। ज़बान का तुनु, ज़बान का तुनु, तुनु कहते हैं वैरायटी को, वैरायटी। हिंदुस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, हिंदुस्तान जो है इसमें बहुत सी ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं, वो इनसे लगाव भी रखते हैं और जो है लोग इनसे लगाव भी रखते हैं, ठीक है। कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सकाफती तुनो, सकाफती मतलब जो शादी ब्याह हैं, प्रोग्राम हैं, वो सकाफती तुनो के लाते। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों का मुल्क है, हिंदुस्तान में अलग अलग सकाफतों का, आप जो है तमिलनाडु में आएंगे तो तमिल वालों का स्टाइल है, मराठा महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठा है, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी, अलग अलग सकाफत। और यहाँ मुख्तलिफ खित्तों में पीन, लिबास, खाने पीने के आदात में फ़र्क है, और खाने पीने के आदात में भी कोई पत्ते पे खाता है, कोई प्लेट में खाता है, कोई बैठ के खाता है, कोई खड़े होकर खाता है, कोई किसी तरह खाता है, ये भी फ़र्क है। सियासी वजूहात, बहुत से सियासतदान अपनी खुदगर्जी की तकमील के लिए इलाकाइत का एहसास पैदा करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने सिर्फ वोट खींचने के चक्कर में कि हमें वोट मिल जाए, इलाकाइत का जो है एहसास लोगों में पैदा करते हैं कि तो भाई मैं आपके इलाके का हूँ, हमारा इलाका ऐसा है, कोई और आ जाएगा तो ये कर देगा, सिर्फ इसमें अपना सियासी फ़ायदा, अपनी सीट बनी रहे इसका फ़ायदा सोचते हैं। तो ये था सबक नंबर 20 और इसके अंदर सिर्फ दो सवाल आते हैं जो कि मैंने आपको करा दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।